गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। टैली क्लास में आपका स्वागत है। टैली क्लास में आज आप लोग पढ़ेंगे हाउ टू मेंटेन कास्ट कैटेगरी एंड कास्ट सेंटर। हम लोग को टैली में मेंटेन करना है कास्ट कैटेगरी और कास्ट सेंटर मेंटेन करना है, तो हम लोग को आज पढ़ना है। सबसे पहले हम जानेंगे कास्ट कैटेगरी कास्ट सेंटर का काम क्या है, होता क्या है। तो यहाँ लिखा गया है, इसका इंट्रोडक्शन परिचय लिखा गया है कि इट इज ए टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूनिट विच रिगार्ड द ट्रांजेक्शन डिटेल्स। आप बताएंगे कास्ट कैटेगरी का सेंटर जो होता है एक प्रकार का कंपनी का सिस्टम बनाया गया है, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम बनाया गया है, इकाई बनाया गया है, जिसमें हम अपने लेन देन को डिटेल में रिकॉर्ड करेंगे, डिटेल्स में रिकॉर्ड करेंगे। जो लेन देन हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम और डिटेल में रिकॉर्ड करेंगे। नीचे लिखा गया है इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं रिकॉर्ड करना एक ट्रांजेक्शन को, किसी भी लेन देन को पूरी डिटेल रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आप बनाइए कास्ट कैटेगरी और कास्ट सेंटर बनाइए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब इंट्री करते हैं, जैसे हम लोग का एग्जांपल है पेट सैली टू अजय 25,000 रुपये, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें दो अकाउंट बनाते हैं, एक सैलरी का बनाते हैं और एक टू कैश का बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ दो अकाउंट होता है, एक सैलरी होता है और एक कैश होता है। तो इसमें और डिटेल में रिकॉर्डिंग करना हमको, तो कैसे हम डिटेल में इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, जैसे हमारा एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है, एग्जांपल हमारा है, हमने सपोज किया है कि 1/4/2021 ये डेट हमारा है। इसमें हमने एक डिपार्टमेंट बनाया, उसका नाम है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट का नाम है। इसमें हमने क्या किया है, हम मान लो मार्केटिंग डिपार्टमेंट काम करते हैं, इसी डिपार्टमेंट में हम काम करते हैं, हमने क्या किया है, पेमेंट किया है सैलरी। किसको पेमेंट किया है, एम्प्लॉय जो है उसका नाम मिस्टर संजय है, जिसको हमने 28,000 रुपये पेमेंट किया है, जो इसका संबंध जो है रिटेल ब्रांच दिल्ली ब्रांच, इसका संबंध जो है दिल्ली ब्रांच से है। हमने एग्जाम्पल लेकर हमने सपोज किया है कि 1/4/2021 में हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हमने पेमेंट किया सैलरी एम्प्लॉय मिस्टर संजय को 28,000 रुपये, इनका संबंध जो है दिल्ली ब्रांच से है। अब हमारा देख रहे हैं, हमने पेमेंट किया है सैलरी पेमेंट किया है, एक अकाउंट हो गया सैलरी का और एम्प्लॉय का नाम हो गया कि डिपार्टमेंट में है मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, और किस ब्रांच में है दिल्ली ब्रांच में हो गया, और किस रूप में किया है कैश भी है इसमें, तो कई अकाउंट इसमें बन रहा है। अब हर एक अकाउंट की रिकॉर्डिंग करना, हम चाहते हैं कि सैलरी का भी रिकॉर्डिंग हो, कैश का भी रिकॉर्डिंग हो, नाम का भी रिकॉर्डिंग हो, डिपार्टमेंट का भी रिकॉर्डिंग हो, ब्रांच का भी रिकॉर्डिंग, सबकी रिकॉर्डिंग हो, तो इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा कास्ट कैटेगरी कास्ट सेंटर बनाना पड़ेगा। अगर हम कास्ट कैटेगरी कास्ट सेंटर बनाते हैं तभी इसकी रिकॉर्डिंग संभव है, अन्यथा बस दो ही की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, सैलरी और कैश जैसे अभी तक करते आए हैं, सैलरी और कैश का रिकॉर्डिंग इसी दो की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सैलरी भी रिकॉर्ड करें, कैश भी रिकॉर्ड करें, एम्प्लॉय का नाम भी रिकॉर्ड करें, ब्रांच का नाम भी रिकॉर्ड करें, डिपार्टमेंट का नाम भी रिकॉर्ड करें, सबकी रिकॉर्डिंग करें, इसको बोलेंगे आप फुल डिटेल्स में रिकॉर्डिंग करना। तो आपको बनाना पड़ेगा कास्ट कैटेगरी कार्ड सेंटर। तो हम लोग इस वीडियो में इसके लिए कि कैसे कास्ट कैटेगरी कार्ड सेंटर बनाते हैं। थैंक्स, आप लोग बोल रहे हैं।